ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवो नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् हरे कृष्ण शायद आवाज कुछ कम बन रही है मेरे ख्याल में कि मैं ही कम सुन रहा हूँ पता नहीं आवाज आ रही है पीछे ठीक नहीं आ रही ना कम आ रही थोड़ी आवाज खोली प्रभु श्रीमद भागवत महाप्राण यध सात अध्याय तीन श्लोक संख्या कौन सी है बीस है ठीक व्यवसाय नीअन दुष्क मनुष्य तपोनिष्ठे नवता जिहम दिति नंदन व्यवसाय न संकल्प से ते, ते तुम्हारा अनेन इस, इस। दुष्करेण दुष्कर मनुष्यनम बड़े बड़े ऋषियों तथा साधु पुरुषों के लिए भी तपाहिष्ठे तपस्या करने के उद्देश्य से भावता तुम्हारे द्वारा जीता जीता गया अहम मैं दिति नंदन, नंदन हे पुत्र, पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य शिलपोपा द्वारा जगत गो शिलोपा देखी हे दितिपुत्र तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी असंभव है इस तरह तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया है तात्पर्य जिस जित शब्द के विषय में शीलमधव मुनि शब्द निर्णय से निम्नलिखित उदाहरण देते हैं पराभूतम च चित उच्यते वोधई यदि कोई किसी के वश में हो जाता है या दूसरे द्वारा पराजित हो जाता है तो वह जित कहलाता है हिरण्यकश्यप की तपस्या इतनी महान तथा अद्भुत थी कि ब्रह्मा जी को भी अपने को उससे पराजित हुआ स्वीकार करना पड़ा ओम अज्ञान तिमरांध्य ज्ञान सला चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान् वन्दे अहं श्रीगुरोपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सात सावुदूत पर्जन सहत कृष्णचैतन्यम श्री राधा कृष्णपदाशहगण ललिता श्री विशाखाता हे कृष्ण कृष्णकुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिनि क्रिष्न गौरत्वसे नमः वाञ्छाकल्पतरभ्यश्च पति पापनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण कृष्णचैतन्य प्रभो निनंदीय अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण तो ये जो भागवत में विषय चल रहा है वह हरण्या कश्यप की अमर वर्ण्य की योजना सातवें स्कंद के तीसरे अध्याय में ये हिरण्याकश्यप के अमर बनने की योजना पीछे से आप लोग सुन रहे हैं कि हिरण्याकश्यप <पीछे> ने अमर बनने की योजना से बड़ी भारी तपस्या की और उसका उद्देश्य क्या था अजर अमर अजय और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनने की इच्छा थी उसकी अज़र मतलब कभी बुढ़ापा ही नहीं आवे ऐसा बनना चाहता था क्योंकि बुढ़ापे में बड़े भारी कष्ट तो होते ही हैं सभी को तो अज़र यानी जरा से रह तो अमर कभी मरे ही नहीं अज़र अमर अजय और किसी के द्वारा जीता नहीं जा सके और फिर चौथा संकल्प क्या था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी मैं बनूं तो संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की उसने और इतनी भारी तपस्या की मंदार पर्वत की घाटी में जाकर इतनी भारी तपस्या की क्योंकि किसी भी वस्तु की प्राप्ति करने के लिए किसी में सफलता प्राप्त करने के लिए तपस्या तो करनी ही पड़ती है चाहे आध्यात्मिक वस्तु आध्यात्मिक प्रगति चाहे या फिर भौतिक प्रगति बिना तपस्या के प्रगति नहीं हो सकती तो कश्यप ने बहुत भारी तपस्या की इतनी भारी तपस्या की ऐसा लिखा है भागवत में कि एक पैर से खड़ा हो गया और एक पैर के एक ही अंगूठे से खड़ा है ना? केवल एक अंगूठे से खड़ा एक पैर से और दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए ऊपर आकाश की ओर देख रहा है और ओम ब्रह्मी नमा ब्रह्मी नमा ब्रह्मी नमा ब्रह्मा जी का ध्यान जब कर रहा है ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा है इतनी भारी तपस्या की इतनी भारी तपस्या की कि उसकी तपस्या से उसका तेज उसके जो वाल थे ना वो ऐसे लगते थे मानो सूर्य की किरणें हो और इतना ही नहीं इतनी तपस्या की इतनी तपस्या की कि उसके शरीर से अग्नि प्रज्वलित हो गई और ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई संपूर्ण ब्रह्मांड को चौदह लोकों को तपाने लगी तपस्या कर रहा है पृथ्वी लोक पे और समस्त ऊपर के लोग नीचे के लोग सभी तप्त तो होने लगे उसकी तपस्या के तप से यहाँ तक कि जब देवता इधर उधर विचरण कर रहे थे देवताओं को बड़ा भारी ताप लगी बड़ी दुखी हुई क्या हो रहा है यह पूरे ब्रह्मांड अग्नि ची लग रही है तो अपने अपने घरों को भागे है ना जैसे कहीं अग्नि लगा तो लोग अपने अपने घर देखते मेरा घर सुरक्षित है कि नहीं तो सभी देवता अपने अपने घर को भागे और वहां देखा तो सब शव तपायमान हो रहे हैं शब बहुत संतप्त हो रहे हैं अग्नि से उसके तेज से तो देवता फिर भागे भागे, भागे ब्रह्मा जी के पास गए क्योंकि देवताओं पर कोई कष्ट आए तो एकदम डायरेक्ट भगवान नारायण के पास नहीं जाते वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं यदि ब्रह्मा जी उनकी समस्या को हल नहीं कर सकें तब फिर नारायण के पास ब्रह्मा जी उनको लेके जाते हैं तो ब्रह्मा जी के पास देवता गए बोले प्रभो आपको तो पता होगा ही आप तो सब कुछ जानते हो कि हिरण्या कश्यप आखिर ये दुष्ट तो है ही और ऐसी तपस्या कर रहा है ऐसी तपस्या कर, कर रहा है उसका संकल्प भी आपसे छुपा नहीं होगा क्योंकि वो अजर अमर अजय बनना चाहता है और आपकी तपस्या करके आपके ब्रह्मा की भी पदवी को लेना चाहता है तो शिविर जी कहते हैं कि ऐसे दुष्ट होते हैं जो आश्री स्वभाव के लोग होते हैं वो ब्रह्मा जी की शिव जी की आराधना करते हैं अपना मतलब सिद्ध करने के लिए और जब उनको आशीर्वाद दे दें तो उन पर ही उनकी पद भी लेना चाहते हैं उनको नीचा दिखाना चाहते हैं जैसे भगवान शिव को भी आपने सुना ही होगा और ब्रह्मा जी को भी तो देवताओं ने कहा कि आपकी इतनी भारी तपस्या कर रहा है कहीं ऐसा न हो कि आपकी पद भी यही ले ले यही ब्रह्मा जी बन बैठे और ये ब्रह्मा जी बन गया कहीं तो सृष्टि में उलटफेर कर देगा जो लोग पुण्य करते हैं उनको तो दंड देगा और जो लोग जो लोग पाप करते हैं उनको बढ़िया उनको अच्छा फल देगा क्योंकि सृष्टि का पूरी उलटफेल कर देगा ये तो इसलिए प्रभु जो बताना था उन्हें बता दिया अब बस आपको क्या करना है आप देखो तो ब्रह्मा जी मुनि इत्यादि ऋषियों को लेकर के उसी स्थान पर आए जहाँ वो तपस्या कर रहा था तपस्या करते करते काफ़ी समय उसको हो गया था ऐसा लिखा है भागवत में कि देवताओं के सौ वर्ष बीत गए थे और देवताओं के सौ वर्ष तो बहुत लंबे होते हैं जैसे हमारा एक दिन देवताओं का नहीं हमारा एक साल देवताओं का एक दिन इतना अंतर होता है तो देवताओं की दिव्य सौ वर्षों तक उसने भारी तपस्या की उसका शरीर भी जो मांस है रोधेर है वो सब केवल अस्थियाँ ही अस्थियाँ बची और वो भी वो भी दिखती नहीं थी वो भी बांबी में वृक्षों से घास से फूस से ढक गई थी वो दिखता ही नहीं कि कहाँ हैं वो ब्रह्मा जी आए देख रहे पर दिखता ही नहीं कहीं तो पता लगा उन्हें कि यहाँ पर है तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी उसके पास आए और <coughs> तो ब्रह्मा जी हाँ बता रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम्हारी तपस्या ऐसी है कि ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की और शायद कोई कर भी नहीं पाएगा आपकी तपस्या कोई कर भी नहीं पाएगा इतनी कठिन तपस्या आपने की है यहां तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष भी भृगु जैसे साधु पुरुष भी पहले जन्म ले चुके हैं वो भी नहीं कर पाए ऐसी तपस्या जैसी तपस्या आपने की है और अब इस श्लोक में कहते हैं कि हे दीति पुत्र तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी असंभव है इस तरह तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया है तो यहां जित शब्द की जी तात्पर्य शील मधु मुनि के द्वारा जो व्याख्या की उसको बताते हैं कि यदि कोई किसी के बस में हो जाता है तो जीत कहते हैं वो जीत लिया गया तो ब्रह्मा जी को भी इस असुर ने बड़ी भारी तपस्या करके उनको जीत लिया था और उनको वरदान देने के लिए वाद्य होना पड़ा क्यों क्योंकि तपस्या ऐसी कि उस दृढ़ संकल्प के साथ इसमें तो बहुत बढ़िया शब्द है, है कि हे दिति पुत्र तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है तो जो व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता चाहता है विशेषकर जो व्यक्ति अपनी सिद्धावस्थाओं को प्राप्त करना चाहता है या भगवत भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तहसील तो रूपा जी कहते हैं कि जो कोई संकल्पों के साथ नियमों का पालन करता है जो कोई संकल्पों के साथ संकल्प बहुत जरूरी है जो कोई व्यक्ति संकल्पों के साथ नियमों का पालन करता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है संकल्प कर लिया कि मेरा ये संकल्प है मैं कन्हैया को प्राप्त करके ही रहूँगा ऐसा दृढ़ संकल्प जिसने कर लिया जो भी हो इसी जन्म में मैंने गोविंद को प्राप्त करना ही है कन्हैया को प्राप्त करना ही है ऐसा जिसने संकल्प कर लिया तो प्रुपा जी कहते हैं जो संकल्प करके नियमों का पालन करता है तो बड़ी सावधानी बरतता है क्यों क्योंकि उसका लक्ष्य उसका जो लक्ष्य होता है वो कृष्ण होते हैं उसका संकल्प है इसी जीवन में ये लक्ष्य है मेरा इसी जीवन में कनिया को प्राप्त करना है चाहे मुझे किसी भी नियमों का पालन करना पड़े जो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है दृढ़ निश्चय कर लेता है तो हैं शिल पप्पा जी कहते हैं कि भगवान उसकी सहायता करते हैं क्यों क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं शिल पप्पा जी कहते हैं क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं तो भगवान उसकी सहायता करते हैं पर ने कहा है गीता में भगवान ने कहा है कि उद्धरित आत्मना आत्मान न आत्मान अवसाधयित आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना भगवान कहते हैं कि इस बद्ध जीव को चाहिए क्या चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे तो भगवान ही सहायता करते हैं फिर भगवान कहते हैं कि बद्ध जीव को चाहिए अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे अपने को नीचे नहीं गिरने दे स्वयं अपनी सहायता करे अपने को नीचे नहीं गिरने दे क्यों क्योंकि ये मन ही इस बद्ध जीव का मित्र है और मन ही इस बद्ध जीव का शत्रु है चेत वस्तु सुबंधा मुक्त चात मनोवतम गुड़ेशु सक्तम बंधाया रतिम्भा पुंश मुक्त ये भगवान कपिल देव ने कहा है देवभूति से कि महा ये बद्ध जीव का मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है कैसे बोले गुणेशु सक्तम बंधाया जब ये इस प्रकृति के तीनों गुणों में जब बंध जाता है इसलिए भगवान ने कहा है कि प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठो जो व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से बंध जाता है तो गुणेशु सक्तम बंधाया जो गुणों में आसक्त हो जाता है तो वो बंधन का कारण होता है रतिम्बा पुंशी मुक्त है और जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह से रति करता है उनके अलावा कुछ जानता ही नहीं अनन्या चिंतन तो माम ये जना पर उपास थे जो अनन्य भाव से भगवान की चिंतन करता है उनकी उपासना करता है और किसी को जानता ही नहीं यहां तक कि कौन है पत्नी कौन है पुत्र कौन है मित्र कौन है धन कौन है क्या है अनन्या चिंत और किसी को न जान करके केवल केवल कृष्ण का ही चिंतन करता है और हम परिवार के सदस्यों का चिंतन करेंगे तो भगवान का अनन्य चिंतन कहां हुआ भगवान श्री कह रहे अनन्नया चिंतन तुम ये जना पर उपास तेषा नित्याभक्ता नाम योग क्षेम बाह्य हम जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है मेरी उपासना करता है अनन्य भाव से तो हम गारंटी दे रहे हैं उसका योग और क्षेम मैं दोनों बहन करता हूँ त मन मनस्क जो पूरी तरह से अपने मन को भगवान लगा देता है तो भगवान का ये वचन है तो यहाँ जो जो साधक जो व्यक्ति ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करूँगा और द्वारा माँ के गर्भ में नहीं आऊंगा क्योंकि प्र्पा जी कहती मानव जीवन मिला ही इन समस्याओं का समाधान करने के लिए है है ना? ये मानव जीवन इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही मिला है और समस्या क्या है जन मृत्यु जरा व्याधि दोषान दर्शनम यही तो सबसे बड़ी समस्या है तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही मानव जीवन मिला है अब जो व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान करने से थोड़ा भूल कर बैठे तो बड़ी भारी भूल हो जाती है दोबारा फिर ये अवसर मिला कि नहीं मिला क्योंकि मानव जीवन मिला ही शीली है परप्पा जी तो समस्याओं का समाधान करने के लिए जन्म मृत्यु जरा तो व्याधि इन दोषों से छूटने के लिए मिला तो इसमें बड़ी सावधानी के साथ साधना करनी होती है तो यहां संकल्प जो है बहुत जरूरी है ऐसा संकल्प कर लें कि हमको इस जीवन में कन्हिया को प्राप्त करना ही है हमको गोलोक धाम जाना है कन्हैया के पास ऐसा संकल्प तो करे हालांकि लोग कहते हैं अरे बड़े बड़े लोगों ने काफी किया बहुत से पहुंच गए तुम भी पहुंच जाओगे लोग हंसी मजाक करें करने दो लेकिन तुम दृढ़ संकल्प रहो कि मैंने कन्हैया को प्राप्त करना ही है चाहे कुछ भी क्यों ना हो प्रभुपात जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है गौरैया का तात्पर्य में बोले एक गौरैया थी आप लोगों ने सुना होगा दोबारा फिर सुनाते हैं एक गौरैया थी समुद्र के किनारे उसने अंडे दिए और समुद्र में तो लहर आती ही रहती है समुद्र की जब लहर आई तो गौरैया के अंडे समुद्र में ही चले गए और गौरैया ने देखा कि मेरे अंडों को लेकर के समुद्र ने समुद्र ले गया मेरे अंडों को अरे भाई मेरे अंडे हमको वापस कर दो ना बहुत कुछ प्रार्थना की गौरैया ने बहुत प्रार्थना की परंतु समुद्र ने छोटा जीव है क्या है चिड़िया ऐसी बोलती रह समुद्र ने कोई गौर नहीं किया उसकी बातों पर, पर चिड़िया को क्रोध आया सुना नहीं तुमने मेरी बात को या तो मेरे अंडे वापस करो नहीं तो सुखा के छोड़ूंगी तुमको ऐसा संकल्प कर लिया उसने तुमको सुखा के छोड़ूंगी दृढ़ संकल्प कर लिया उसने समुद्र को सुखाना ही है इसने मेरे अंडे क्यों अपने में विलीन कर लिए तो छोटी चिड़िया गौरैया बहुत छोटी होती है चिड़ियाओं में छोटी चिड़िया होती है गौरैया तो उसने अपनी चोंच से समुद्र का पानी भरा और बस बार बार पानी को उड़ीचने लगी बार बार उड़ीचने लगी अब जो भी देखता था उसके इस कार्य को तो सब हंसी करते देखो ये गौरैया कितना असंभव कार्य करने का संकल्प किया इसने असंभव संकल्प है यह तो संभव हो ही नहीं सकता परंतु गौरैया ने जो संकल्प कर लिया दृढ़ निश्चय कर लिया जब कुछ भी हो जब तक मेरी जान में जान रहेगी जब तक प्राण रहेंगे तब तक मैं हुँ, अपने संकल्प से नहीं हटूंगा ऐसा कोई निश्चय कर ले तो वही निश्चय गौरैया का था तो उसके निश्चय को देख के सब हंसी मजाक कर रहे ये बात गरुण जी के पास पहुंची गरुण जी ने विचार किया भाई आखिर वो भी तो पक्षी हमारी छोटी सी बहन है वो उसकी सहायता हमें करनी चाहिए तो गरुण जी आए गौरैया से बात की गौरया ने कहा मेरा ये निश्चय है गरुण जी प्रसन्न हुए बहुत बढ़िया आपका दृढ़ निश्चय है ना तो दृढ़ निश्चय ही तो व्यक्ति के कार्य को सिद्ध कर सकता है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी 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 कितना ही असफल व्यक्ति हो अपने सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य में चाहे बार बार उसे असफल हो जाए तो उसे निराश नहीं होना चाहिए दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि मैं बस प्रयास करता रहूंगा करता रहूंगा मुझे सफलता प्राप्त करनी ही है चाहे कुछ भी क्यों ना हो तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं भगवान की कृपा से तो भगवान के वाहन आ गए ना उसके पास और चिंता मत करो अब मैं देखता हूँ समुद्र से कहा अरे भाई इस गोरैया के अंडे लौटा दो ना क्यों नहीं लौटा रहे समुद्र नहीं सुना तो गरुण जी बोले नहीं सुना क्या सुनो यदि तुम गोरैया के अंडे को नहीं लौटाओगे तो मुझे आगे आना पड़ेगा मुझे मैदान में आना पड़ेगा फिर अब जैसे ही उनके इस निश्चय को सुना कि गरुण जी भी आगे मैदान में आ जाएंगे भाई हमको सुखाने के लिए तो भयभीत हो गया और उसने अंडे लौटा दिए क्योंकि समुद्र जानता था गरुड़ जी कोई साधन है नहीं भगवान के वाहन है तो अंडे लौटा दिए तो उसी प्रकार कोई भी साधक कोई भी भक्त दृढ़ निश्चय कर लेता है यद्यपि साधना करने में कष्ट तो बहुत होता ही है बहुत कष्ट होता है जो कष्टों में विचलित नहीं होता वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का आप लोग सब जानते होंगे और उस पर थोड़ा और ध्यान से और उसको देखना पढ़ना उसे घर पे जाके पढ़ना या भी पढ़ना भगवत गीता दूसरे अध्याय का पंद्रहवा श्लोक है यमे निविथ्यन्ते पुरुष पुरुष क्षमा दुख समा दुखा सुखम धीर सुमृत् कल्पते भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन हे श्रेष्ठ अर्जुन जो सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता क्योंकि साधना करने में तपस्या करने में सुख दुख तो आते ही विशेषकर दुख ही ज्यादा आते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति यम ही निवथिनते थे पुरुषम पुरुष स्वा क्षमा सुखम दुखम धीरम स्वमृत्व कल्पते कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में संभव रहता है और निश्चित रूप से भगवान गारंटी ले रहे हैं स्वमृत्वाय कल्पते भगवान गारंटी ले रहे हैं वही मुक्ति के योग्य है भगवान गारंटी ले रहे हैं। सो अमृतवाय कल्पते जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता समान रहता है तो भगवान कहते हैं स्वमृत्वाय कल्पते निश्चित रूप से है। वो मुक्ति के योग्य है भगवद गीता दूसरे अध्याय का पंद्रहवा श्लोक है भगवान कई जगह हमको आश्वासन दे रहे हैं ये करके तो देखो जो तुम चाहोगे वही हो जाएगा एक करके देखो भगवान गीता हम कई जगह बहुत बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं और हमें नित्य प्रति गीता को जरूर पढ़ना चाहिए प्रप्पा जी की यथारूप गीता इतनी बढ़िया है नित्य प्रति गीता को पढ़े नित्यम हम भागवत सेवा भागवत आप रोज सेवन करते ही हैं लेकिन गीता को नित्य प्रति जो प्रभा जी गीता है ना बड़ी गजब की है रोज़ पढ़ना चाहिए हमें और उसके तात्पर्य को और ध्यान से पढ़ना चाहिए अब देखो इसका तात्पर्य कितना बढ़िया है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोग ध्यान से सुनना प्रभाजी इसके तात्पर्य क्या कह रहे हैं प्रप्पा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है ध्यान से सुनना जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है शोक तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है तो वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है प्रभुपा जी आगे कहते हैं वर्णाश्रम धर्म में जो चौथी अवस्था चौथी अवस्था कौन सी है बोले संन्यास अवस्था प्रभाजी कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म में जो चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य आश्रम है उसमें सुख नहीं है उसमें बहुत सारे कष्ट हैं क्या कष्ट हैं तो श्री प्रभाजी कह रहे हैं कि ये संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है एक एक शब्द को ध्यान से सुनना प्रभा जी कह रहे हैं किंतु जो व्यक्ति अपने इस मानव जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है शील जी कह रहे जो व्यक्ति अपने इस मानव जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम ग्रहण करता है और ये कठिनाई क्या है बोल ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं जो सबसे बड़ी कठिनाई क्या है संन्यास आश्रम में जाने के लिए कि परिवार से विच्छेद करना पड़ता है ये बड़ी कठिनाई है और विशेषकर क्या प्रौपा जी कहते हैं कि पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है कठिनाई तो जो व्यक्ति कठिनाई सहन कर लेता है तो वह उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है फिर कोई बाधा नहीं रहती यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है क्योंकि जो हमारी साक्षात्कार की प्रगति में जो बाधा है वो क्या है मोह मोही बंधन का कारण है और जब तक मोह को नहीं त्यागेंगे भगवान का ब्याह कामान सर्वान पुमान से निर्ममो ममता को जब तक नहीं त्यागे निर्ममो निरहंकार स शांति मदगचति जो व्यक्ति वास्तव में अपना जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है व्या सर्वान कामान सारी कामनाओं का प्रत्याग करना होता है वही अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है क्योंकि प्रप्पा जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस भौतिक वस्तुओं से या भौतिक व्यक्तियों से जितना जितना दूर हटता जाएगा उतना उतना ही कृष्ण के नज़दीक समीप आता जा आता जाएगा इसलिए हमें संसार की वस्तु से और व्यक्तियों से दूर हटना ही पड़ेगा हम सोचें पत्नी के साथ रहें पति के साथ रहें पुत्रों के साथ रहें खूब जप कर रहे हैं सब बढ़िया बढ़िया जप कर रहे हैं ठीक है लेकिन यह स्पष्ट शास्त्र कहते हैं प्रोपाजी भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मानव जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है उसे संन्यास आश्रम ये जो कष्ट साध्य आश्रम है ये सहन करना ही पड़ेगा जब तक हम संसार से वैराग नहीं लेंगे तब तक कृष्ण के प्रति अनुराग होगा नहीं होगा संसार के प्रति वैराग तब कृष्ण के प्रति अनुराग और हम सोचेंगे संसार के प्रति भी हमारा अनुराग हो और भगवान के प्रति भी अनुराग हो तो एक म्यान में है जी क्या कहावत है वो दो तलवार नहीं आती एक ही आएगी दो तलवार डालेंगे फट जाएगी भी किसी काम की नहीं रहेगी इसलिए तपस्या बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी तपस्या क्या है शिल्पा जी कहते हैं सबसे बड़ी तपस्या है इंद्रिय विषयों का परित्याग करना और विशेषकर तपस्या तो है ब्रह्मचरी व्रत का पालन करना क्योंकि ग्रस्त आश्रम भी सीमित है ये नहीं कि हमेशा ग्रस्त आश्रम में पढ़े रहें ग्रस्त आश्रम पचास वर्ष की अवस्था तक तो ग्रस्त आश्रम का विधान है शास्त्रों में पच्चीस 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 चारों ही है ना चार दिन पच्चीस वर्ष फिर पच्चीस वर्ष पच्चीस पच्चीस वर्ष हम उसी अवस्था में पड़े रहें ग्रस्त अवस्था में पड़े ग्रस्त ही रहें तो फिर मानव जीवन पूर्ण बन जाए कोई गारंटी नहीं इसलिए हमें इस कठिनाई सहन करनी पड़ेगी तपस्या करनी पड़ेगी बिना तपस्या के हमारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती और तपस्या सबसे बड़ी यही है कि हम सांसारिक वस्तुओं से कितना दूर हट रहे हैं कितना प्रत्याग कर रहे हैं कितना उसका त्याग कर रहे हैं कितना वैराग्य हो रहा है तभी कृष्ण के प्रति अनुराग होगा और जब तक कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं होगा तब तक कन्हैया की प्राप्ति नहीं होगी तो यहां हिरण्य कश्यप ने कितनी भारी तपस्या की ब्रह्मा जी ने कहा भी कि तुम्हारा दृढ़ संकल्प इतना तुम्हारा दृढ़ संकल्प है कि तुमने अपनी तपस्या से वह कर देखा है वो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी असंभव है इस तरह तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया देखिए तपस्या हिरण्य कश्यप ने की और तपस्या ध्रुव महाराज ने भी की थी है ना ध्रुव महाराज का जो निश्चय था ना संकल्प इससे भी बढ़कर के था ये तो अजर अमर अजय और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाह रहा था लेकिन जो ध्रुव महाराज का संकल्प था वो ब्रह्मांड से भी और ऊंची वस्तु प्राप्त करने का था है ना? क्या था इस नारद जी ने पूछा भाई तुम क्या चाहते हो तब, तुम चाहते क्या हो तो ध्रुव जी बोले हमको ऐसा साधन बता दो इस देव का साधन बता दो और ऐसा साधन बता दो जो हमारी इस संकल्प को पूर्ण करने वाला हो मैं कर लूंगा तपस्या कर लूंगा खूब तपस्या करूंगा चाहे कितनी कठिन तपस्या हो क्या चाहते हो बोले तो पदम त्रवनोत्कृष्टम जिगीसो साधव में ब्रू ही अस्मद ब्राह्मण न अन्य अपना अधिष्ठितम ये उनका दृढ़ संकल्प था क्या था कि हे कि महाराज नारद जी मेरा संकल्प यह है कि मैं सबसे ऊंचे पद की प्राप्ति करना चाहता हूं कौन से और पदम त्रवन उत्कृष्टम पदम त्रुवन उत्कृष्टम तीनों भुवनों से केवल ब्रह्मांड ही नहीं बोले तीनों भुवनों से ऊंचा पद में चाहता हूं और कैसा बोले जिस पर हमारे पिताजी है ना कौन थे पिताजी उनके उत्तान पाद और पिताजी के पिताजी कौन मनु महाराज और उनके पिताजी कौन ब्रह्मा जी बोले हमारे हमारे बाप और हमारे दादे और परदादे कोई भी ऐसे पद पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हों ऐसा पद जो तीनों लोगों से उच्च पद हो उस पद की मुझे आवश्यकता वो पद चाहिए बताओ आप साधन वो मुझे चाहिए तो दृढ़ संकल्प किया ध्रुव ने और दृढ़ संकल्प किया यद्यपि बहुत सारी बाधाएं आई ध्रुव के पास जो पांच वर्ष का बालक और निर्जन वन में तपस्या कर रहा है बड़ी भारी बाधाएं आई परंतु अपने दृढ़ से संकल्प से नीचे नहीं नीचे नहीं हटा पीछे नहीं हटा नारद जी ने खूब परीक्षा लिया अरे वही लौट जाओ क्या करोगे पर वो नहीं बाबा अब जो निश्चय कर लिया ना जो संकल्प कर लिया उसे प्राप्त करना ही है आपको यदि बताना है तो बता दो हुं? तो गुरुजी बनाना पड़ेगा और बनो गुरु तो गुरुजी बना लिया उनके लिए तो सारा कुछ उनसे पूछ लिया उन्होंने सब मंत्र पूछ लिए कहाँ जब करना है वो भी पूछ लिया और किसकी आराधना करनी चाहिए वो पूछ ला पूछ लिया उन्होंने तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक दृढ़ संकल्प भक्त का नहीं होगा साधक का किसी का तब तक हमें अपने कार्य में सफलता नहीं मिल सकती दृढ़ संकल्प करना ही पड़ेगा जिसने संकल्प कर लिया किसी जीवन में कन्या की प्राप्ति करनी है तो उसी अनुसार अपनी साधना करेगा पापों से बचेगा और अनर्थों से बचेगा और सबसे बढ़कर अपराध से बचेगा क्योंकि अपराध सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारी साधना में प्रगति करने के लिए तो बड़ी सावधानी के साथ हमें इन नियमों का पालन करें और अपराधों से बचते रहें पापों से बचते रहें अपराधों से बचते रहें थोड़ा भी अपराध हो गया तो अब तक हमने जितनी भक्ति की है सब नष्ट हो गई वहीं के वहीं रुक गई है ना फिर करेंगे फिर अपराध क्या फिर नष्ट हो गई तो कहां इतने कितने जीवन हमको लग जाएंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कई जीवन लग जाएंगे इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इसलिए भगवान ने कहा गीता में इंद्रियाणाम चरताम यत मनोवन विधीये तदस्ृति प्रज्ञा वायुर्नाम इभा मसी तो वितरणशील है और प्रत्येक इंद्री अपने अपने विषय की ओर दौड़ती रहती है एक भी इंद्री यदि अपने विषय में अटक गई लग गई तो हमको हमारे लक्ष्य से उतनी दूर ले जाएगी उतनी दूर बहा के ले जाएगी जैसे नदी में बहती हुई नाव को प्रचंड वायु बहुत दूर बहा के ले जाती है है ना जैसे बड़ी भारी नदी है और यहां से नाव में बैठकर हमको वहां पर पहुंचना है प्रचंड आंधी आ गई तो वहाँ न पहुँच करके पता नहीं कितनी दूर हमारी उस नौका को ले जाएगी उसी प्रकार ही हमारी जीवन रूपी नौका है शरीर रूप मानव जीवन रूपी नौका और इस नौका से हमने लक्ष्य बनाया है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक भी इंद्रिया उसकी प्रचंड वायु चल गई इंद्रिया बड़ी प्रचंड हैं अपनी ओर दौड़ गई तो हमको पता नहीं कितने कितने जन्मों तक पीछे हमको हटा देगी इंद्री एक इंद्री भी हमको कितने कितने जन्मों तक पीछे हटा देगी इसलिए बड़ी आवश्यकता है सावधानी की बहुत आवश्यकता है इन इंद्रियों को हो मना कृष्ण पदा बिंदो इनको वश में करने के लिए बड़ी आवश्यकता है और बड़ी सावधानी की आवश्यकता है नहीं थोड़ी सावधानी हटी दुर्घटना घटी और ऐसी दुर्घटना घटेगी कि पतनी पतन कर देती है इसलिए तपस्या में बहुत सावधानी की आवश्यकता है बहुत सावधानी की आवश्यकता और दृढ़ प्रतिज्ञा की आवश्यकता है संकल्प करने की आवश्यकता है धैर्य निश्चात है ना? ये बहुत जरूरी है तो समय हो गया यहीं हम वाणी को विराम देते हैं कि जो कोई प्रश्न हो तो ये पाँच मिनट है कोई पूछ सकते हैं या कोई बोलना चाहे इस पर कुछ कोई प्रश्न नहीं ने बढ़िया समझा ठीक है हरे कृष्णा श्रीमदभागवत महाप्राण की शिल्पोपाद की